हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा तैयारी करी जा रही है 36 और रफाल F4 स्टैंडर्ड को ऑर्डर करने की। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एयरफोर्स बातचीत में है, और एक बार इनको ऑर्डर कर दिया जाए तो जो टोटल संख्या है रफाल एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स में वो बढ़कर 72 हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रफाल का जो सर्विस सेंटर है वो नागपुर में खुलने वाला है और ये 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली सेंस बनाता है कि जिस एयरक्राफ्ट की सपोर्ट फैसिलिटी को ओपन कर दिया गया है उसी के ज़्यादा नंबर लिए जाएं जब वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। साथ ही साथ ये जो F4 स्टैंडर्ड के रफाल होंगे ये कॉस्ट में थोड़ा कम पड़ेंगे पहले ऑर्डर से। यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर दें कि जो F4 स्टैंडर्ड के रफाल हैं वो 2024 से ही सर्विस में आएंगे। तो अगर उनको ऑर्डर किया जाता है 2024 से पहले जो एयरक्राफ्ट हैं वो सर्विस में नहीं आने वाले। तो ये जो प्रोसेस है 36 और रफाल को लेने का, इसकी डील साइनिंग जो है वो और 2 से 3 साल खिंच सकती है। पर ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि 36 और रफाल लिए जाने हैं। हो सकता है आगे चलकर इसके 3rd और 4th बैच भी ऑर्डर किए जाएं, जिसमें 36 और रफाल लिए जाएं। तो इसके साथ ये चीज़ भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है कि जो MMRC 2.0 कॉम्पिटिशन है वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो उस कंपटीशन के अंतर्गत करीबन 114 एयरक्राफ्ट लेने थे, पर 36 और रफाल लिए जाने के बाद रफाल के ही फॉलो ऑन ऑर्डर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो MMRCA 2.0 का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी रफाल F4 के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है, ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा, उसी का वीडियो आगे प्ले होगा। तो ये एक अपग्रेड है F3R पे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और F3R में। F3R वैसे ही F3 का एक्सटेंडेड वर्सिटैलिटी वर्जन है, और काफ़ी ज़्यादा जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है F4 के लिए उसको पहले ही इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। तो जो इंडियन रफाल है वो वैसे ही काफ़ी एडवांस है। F4 में कुछ जो एडवांसमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आज हम उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो चीज़ बहुत डिटेल में दी नहीं गई है। तो जो रफाल का F1 वर्जन था वो नेवी के लिए था, जो F2 वर्जन था वो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ था, और जो F3 और F3R वर्जन है उसे एक्सटेंडेड वर्सिटैलिटी वर्जन कहा जाता है। यानी कि ट्रूली ओमनी रोल जो कैपेबिलिटी है वो F3 और F3R वर्जन में है रफाल के। तो जो F4 वर्जन है वहाँ पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रखकर उसे बनाया जा रहा है, और कनेक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि डेसॉल्ट का मानना है कि फ्यूचर वॉरफेयर में कनेक्टिविटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है। इसलिए यहाँ पर न्यू सेटेलाइट, इंट्रा पेट्रोल लिंक्स, कम्युनिकेशन सर्वर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ को मॉडिफाई किया जा रहा है। ये और भी ज़्यादा सिक्योर होंगे और फास्ट होंगे। बाकी जिन इम्प्रूवमेंट को डिस्कस किया जा रहा है उसमें रडार सेंसर अपग्रेड की बात कही गई है। तो जो F3R वर्जन है वो पहले ही RB-E2AA AES से रडार को यूज़ करता है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AES से रडार है। इसके ऊपर जो अपग्रेड है वो गैलियम नाइट्राइड में हो सकता है, जहाँ पर इसकी एफिशेंसी बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली फ्रांस जो है वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई कर रहा है, पर वो चीज़ पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं है कि ऐसा कुछ काम चल रहा है। तो हो सकता है कि हम गैलियम नाइट्राइड वाला वर्जन देख सकते हैं F4 वर्जन में रफाल के, जो कि करंट रडार से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। बाकी जो फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक्स है उसके भी अपग्रेड की बात कही गई है, यानी कि जो TV कैमरा है और IR सेंसर हो गए, या फिर सिंपली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स कहें, उनके अपग्रेड की बात कही गई है। तो अभी भी ये काफ़ी एफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है वो करीबन 100 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को देखने में सक्षम है, और जो TV कैमरा है वो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। इस पर भी और मॉडिफिकेशन की बात कही गई है, पर क्या होने वाले हैं ये चीज़ भी क्लियरली बाहर नहीं है। बाकी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को ऐड करने की बात कही गई है। तो F3R वर्जन में जो कतर एयरफोर्स हो गई, और यहाँ तक कि कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स भी, इजरायली डैश हेलमेट को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है और काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में। बाकी फ्रांस के द्वारा टॉप साइड हेलमेट को यूज़ किया जा सकता है, जो कि थेलेस के द्वारा ही बनाया जाता है, और इंडियन नेवी यूज़ करती है अपने MiG-29K में।
तो ये जो क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी है रफाल की वो बढ़ा देंगे। तो ये एबिलिटी जहां तक है पहले ही हो सकती है इंडियन एयरफोर्स के पास। कंफर्म हो के किसी ने बताया नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स डैश हेलमेट्स को यूज करती है। बाकी और अपग्रेड की बात करें तो वो वेपन्स में होने वाला है। मीका एनजी, जो नेक्स्ट जनरेशन की मीका मिसाइल है, उनको लगाया जा सकता है रफाल F4 वर्जन के साथ। साथ ही साथ ये बाकी वर्जन्स में भी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि F4 के साथ ही आने वाली है, इंडियन एयरफोर्स भी यूज करेंगी जब ये बनकर सामने आएंगी। तो मीका एनजी में जो अपग्रेड है वो उसके सेंसर्स में मेनली होगा, जो कि IR वर्जन है उसमें मैट्रिक्स सेंसर को यूज किया जाएगा, जहां पर उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो RF वर्जन है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार को यूज किया जाएगा। ये मेनली स्टेल्थ टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जा रही है। बाकी इसकी रेंज की बात करें तो एयर टू एयर में ये करीबन 100 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होगी। दूसरी बात करें तो इसमें स्मार्ट म्यूनेशन हैमर जो है उसका 1000 किलोग्राम वाला वर्जन लगेगा, जो कि अभी 250 किलोग्राम का है और इसे कुछ ही दिनों पहले टेस्ट किया गया है। तो ये इसकी एयर टू ग्राउंड की जो एबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बाकी जो बड़ा काम चलेगा वो चलेगा इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में और मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पर F4 में प्रोग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि मेंटेनेंस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अचीव करी जाएगी। तो ये इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं जब किसी भी एयरक्राफ्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपका कितना भी अच्छा हो अगर वो समय पर फ्लाई नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो रफाल F4 का वैलिडेशन है वो 2024 में प्लान किया गया है और 2027-28 तक वो फ्रेंच एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।